तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग एक काउंटर सिंक ड्रिल बिट डिजाइन करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे फ्रंट प्लेन एंड स्केच। नेक्स्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है। अगेन मैं यहाँ से एक लाइन पर सिलेक्ट कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक एंगुलर लाइन निकालनी है, एंड देन हॉरिजॉन्टल, अगेन वर्टिकल एंड कुछ इस प्रकार से, एंड यहाँ पर इसे कर देंगे जॉइन। नेक्स्ट हमें इसे देना है डायमेंशंस। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्मार्ट डायमेंशन एंड इस लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में का एंगल हमें यहाँ पर देना है 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट यहाँ से इस लाइन से ओरिजिन तक का डिस्टेंस दे देंगे 40 mm। नेक्स्ट हमें इस लाइन से इस लाइन तक का डिस्टेंस देना है 35 mm। यहां से यहां तक का डिस्टेंस देंगे हम 6 mm, एंड सेम एज इट इज इस लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन तक का डिस्टेंस हमें देना है, इसे दे देंगे 15 mm। देन इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमें जाना है फीचर्स में, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रिवॉल्व बॉस बेस। यहाँ से एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन देना है हमें ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे ओके। तो यहाँ पर ये हमारा रिवॉल्व हो चुका है। अब हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है फ्रंट प्लेन एंड सिलेक्ट करेंगे स्केच। तो मैं यहाँ से सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस ओरिजिन पॉइंट से, वर्टिकल एंड देन अगेन हॉरिजॉन्टल, एंड इसे जॉइन कर दूंगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट सिलेक्ट करना है इस लाइन को और कर देना है वर्टिकल। नेक्स्ट जाऊंगा मैं यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन में और इसे दे दूंगा लेंथ 40 mm। राइट क्लिक करके सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है थ्री पॉइंट आर्क। इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन दिस पॉइंट, और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है। राइट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर हो गया है और ये फुली डिफाइन भी हो चुका है। नेक्स्ट हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है इस लाइन को एंड इसे कर देंगे कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री। नेक्स्ट आएंगे यहाँ से फीचर्स में और सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रूडेड कट। इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं रिवर्स, एंड इसकी एंड कंडीशन हम यहाँ पर दे देते हैं थ्रू ऑल एंड करेंगे ओके। तो आप देख सकते हैं ये कट हो चुका है। नेक्स्ट हमें इसे करना है सर्कुलर पैटर्न। तो उसके लिए यहां से सिलेक्ट करेंगे हम सर्कुलर पैटर्न। तो यहां पर हमें डायरेक्शन देना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सिलेक्ट करनी है हमें इस एज को, और यहां पर 4 एंटिटीज रखना है, और यहां से सिलेक्ट करेंगे फीचर्स में और इस फीचर को सिलेक्ट करेंगे। तो यह हमारा कट एक्सट्रूड सिलेक्ट हो चुका है, और आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि हमारा कट भी यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे ओके। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देने हैं फिलेट्स एंड चैम्फर। तो यहाँ से सिंपली मैं एक फिलेट को सिलेक्ट कर देता हूँ, इस एज को सिलेक्ट करेंगे, इसे दे देंगे 2 mm एंड देन ओके। नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे यहाँ से चैम्फर, इस एज को सिलेक्ट करेंगे
इसे दे देंगे 2 mm, या फिर कर देते हैं 1 mm, सेम एज इट इज इस एज को सिलेक्ट करना है एंड सिलेक्ट करेंगे ओके। नेक्स्ट हमें अगेन फिलेट पर जाना है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये वाली एज, सेम एज इट इज हमें ये चारों के चारों एजेस सिलेक्ट करनी है, दिस वन एंड ये वाली एज। यहाँ से रेडियस हमें देनी है 0.5 mm, हम सिलेक्ट करेंगे ओके। अब हमें इसे देना है अपीयरेंस, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अपीयरेंस पर जाएंगे, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा मेटल, फील में जाकर हमें इसे देना है सेटिंग फिनिश, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पार्ट बनके रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज रोजाना लाते रहता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम।